इस वीडियो में फायनेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहला काम तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अगर आपने अब तक अपना अकाउंट नहीं ओपन किया फायनेंस में अकाउंट ओपन कीजिए, 24 से 48 घंटे में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही लॉग इन करोगे इस तरीके का बिल्कुल आपको एक यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे हम 9:14 एक मिनट के अंदर अभी ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली, मार्केट ओपन होने वाली है। तो हम ये ट्रेडिंग को लाइव यहाँ पे करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ये प्रोफाइल वाला आइकन रहता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फंड्स वाले सेक्शन में जाना है। अभी फंड्स जीरो है क्योंकि अभी न्यू अकाउंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फंड्स को ऐड करना होगा। फंड्स ऐड उसी अकाउंट से कीजिएगा जो आपने बैंक डिटेल्स में पहले भरा होगा। तो यहाँ पे फॉर सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक अमाउंट ऐड कर लेता हूँ जल्दी से, यूपीआई का नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने यूपीएस पेमेंट ऐड करा, विद इन सेकंड्स आपका पेमेंट होता है, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि मुझे बहुत ही बेस्ट पार्ट लगा इसका। अब हमको यहाँ पर ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कोई स्टॉक को चूज करना होगा क्योंकि डेमो के लिए वीडियो बना रहा था कि जो ये फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अच्छे समझ सको, इसके ऑप्शंस को देख सको। तो पहले हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के साथ यहाँ पे जो स्क्रीनर वाला ऑप्शन है बड़ा ही मस्त है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि जो भी नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है, पूरा कंप्लीट देखिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे हमारे सामने ओपन है, यहाँ पे हमने स्टॉक्स को ऐड करना है वॉच लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, फेवरेट स्टॉक्स का एक बार नाम दे देते हैं, कोई भी स्टॉक्स इसमें रखना है आपने। और यहाँ पे वॉच लिस्ट बन गई हमारी फेवरेट स्टॉक्स वाली। अब इसमें हमने उन स्टॉक्स को ऐड कर लेना है जिनके जिनके अंदर हमने ट्रेड करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टॉक्स को ऐड कर लेंगे इस वाले बटन पे क्लिक करके। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम डिश टीवी को सर्च कर रहे थे, डिश टीवी को मैंने सर्च करा और यहाँ पे देखिए ये आ गया प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ये हमारी लिस्ट में ऐड हो गया। कुछ और एक स्टॉक्स मान लीजिए मुझे एचडीएफसी बैंक में ट्रेड्स लेने हैं, जो ईक्यू वाला ही आपने करना है, यही इक्विटी स्टॉक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, फिर प्लस में करूंगा, बैकर में जाके देखा तो ये तीनों स्टॉक्स यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गए हैं। और ऐड होने के बाद इनका जो भी लाइव प्राइस है मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा है, चल रहा है, कितने परसेंट का इसमें चेंज जा रहा है, कितने पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, सारी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रही है। और फॉर एग्जाम्पल डेमो के लिए अब मुझे मान लीजिए कोई स्टॉक बाय करना, सपोज मैं डिश टीवी का बाय करने वाला हूँ, सिंपली इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे सामने यहाँ पे पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे वन डे वन वीक का यहाँ पे हम चार्ट चेक कर सकते हैं, जैसे वन वीक का ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा ओवरव्यू में जाओगे, मार्केट डेप्थ में जाओगे, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है, ओपन हाई लो। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको ये सिग्नल मिलेगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए क्या बोल रहा है, बाय के लिए स्ट्रॉन्ग बाय, अगर स्ट्रॉन्ग बाय है तो आपको जो जरूर से बाय करना चाहिए। इस टाइप के यहाँ पे सिग्नल्स मिले, सेल के सिग्नल 4 है, न्यूट्रल 9 है, बाय के यहाँ पे 13 है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बेटर बनाता है बाकी के जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। बाय करना सिंपली बाय वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, बाय करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी में सिर्फ अभी मैं एक रखने वाला हूँ, मार्केट प्राइस पे रखने वाला हूँ क्योंकि जो भी प्राइस चल रहा होगा मुझे उसी के ऊपर बाय करना है। मार्केट प्राइस करने से क्या होता है कि हमें तुरंत जो ऑर्डर है हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या करना है, बाय वन क्वांटिटी करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सारी चीजें हमें दिखा देगा। और यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर अभी एग्जीक्यूटेड जो सक्सेसफुली हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा, पोजीशंस में जाकर के अपनी मैं पोजीशंस को चेक कर सकता हूँ। पोर्टफोलियो में जाओगे तो आपको पोजीशन वाला ऑप्शन मिल जाता है। पोजीशन में देखिए अभी जो भी आपने स्टॉक खरीदा है उसका बिल्कुल लाइव जो भी लॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखते रहेगा, अभी 5 पैसे का लॉस है। तो यहाँ पे कुछ टाइम हमने वेट किया और यहाँ पे 15 पैसे का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बेच देंगे, अभी मार्केट से हम एग्जिट कर लेंगे क्योंकि जस्ट ये डेमो वीडियो आपको ये पता चले कि किस तरीके से फायर प्लेटफॉर्म काम करता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपको एग्जिट का बटन दिख जाएगा बड़ा सा रेड कलर में, उसके ऊपर अपने क्लिक कर देना। सिंपल इज दैट, क्लिक करोगे, क्वांटिटी जितनी खरीदी उतनी डाल देनी है, फिर से मार्केट प्राइस के ऊपर ही रखना है, सेल वन क्वांटिटी पे सेल कर देंगे और यहाँ पे हमारा ऑर्डर सेल हो चुका है। इतना ही काम है, हमने यहाँ पे क्या किया, बेचते बेचते यहाँ पे थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट और कम हो गया जो कि 0.10 यानी 10 पैसे का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने ये गलती नहीं करनी, इतनी छोटी ट्रेड्स नहीं लेनी है क्योंकि इससे कहीं ज्यादा आपकी ब्रोकरेज लग जाएगी। लेकिन वैसे तो फायर्स की बात करें यहाँ पे बड़ा ही मतलब फ्लेक्सिबल ब्रोकरेज प्लान आता है, अगर आप इंटर ट्रेड जैसे हमने किया तो इसमें बहुत ही छोटी सी ब्रोकरेज लगी होगी। अदरवाइज कुछ ब्रोकरेजेस तो पर ऑर्डर के लिए फिक्स ₹20 चार्ज करते हैं, 2.5% तक चार्ज करते हैं, तो उस केस में क्या होता कि आपके ₹40 ब्रोकरेज चले गए होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लविंग फायर्स। फायर्स बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर आप इंटर ट्रेड करो सिर्फ एक छोटी अमाउंट है तो 0.03% का आपको आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, दैट्स इट, बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट बनती है। तो इस तरीके से हम बाय सेल कर सकते हैं।
और स्टॉप लॉस की कैसे लगाना वही बहुत सिंपल आपको खुद से भी पता चल जाएगा, या फिर अदरवाइज आने वाले वीडियो में हम उसको भी कवर कर लेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसकी बात कर रहा स्क्रीनर, इसको कवर करना बहुत ही जरूरी था। जितने भी हमारे नए लोग चाहे पुराने जो भी, अभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। देखिए यहाँ पे कैंडल स्टिक स्कैनर्स के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमें दिख जाते हैं बुलिश का, और नीचे यहाँ पे क्या क्या कैंडल्स हमें चाहिए होंगे, जो ड्रैगन फ्लाई हैमर पैटर्न बन रहा हो। अब हैमर पैटर्न की बात कर ले, जब भी हैमर पैटर्न बन रहा था ये होता है कि स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट देगा ऊपर की तरफ, और क्या होगा कि इसमें हमें एक अच्छा मतलब मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा, अभी की डेट में देखिए एक स्टॉक यहाँ पे एमए पीएमआई इंडिया करके आएगा, जिसमें कि ये कंडीशन अभी बन रही है। और अगर ये कंडीशन बन रही है तो ये स्टॉक क्या है, बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको बाय कर सकते। और इसको देखिए तो कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल मिल रहा है, सेल का सिर्फ एक ही सिग्नल है, बाय के यहाँ पे 9 है 16 सिग्नल है, न्यूट्रल 9 है, यानी कि बाय के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग बाय का यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। अब ये स्टॉक क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, इस स्क्रीनर की मदद से सिर्फ एक क्लिक के साथ हमें ऐसा स्टॉक मिल गया जिसमें अगर हम एंट्री लेते तो एक अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है। ठीक है, सेम इन्वर्टेड हैमर है, ड्रैगन फ्लाई डोजी के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे देखिए, 3 स्टॉक्स यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं, क्राइसिस का आ रहा है, पॉलीकैप का आ रहा है, सुप्राजित का आ रहा है, 3 स्टॉक्स हमें मिल गए जिसमें ड्रैगन डोजी बन रहा है। यानी कुछ भी हमने कोई कोडिंग नहीं करी, कोई हमने यहाँ पे टैग्स नहीं लगा, खुद ब खुद ऑटोमेटेड ये सारी चीजें हमें हमारे बन के मिल गए। अगर हमने कोई बेरिश स्ट्रेटेजी बनानी है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर आने, तो बेरिश के लिए आपको अलग से मिल जाते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है, बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है, बुलिश हरामी क्रॉस ओवर बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है, तो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही कमाल का है। अगर आपका किसी और ब्रोकर से अकाउंट है भी तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक अकाउंट आप फायर्स में जरूर से ओपन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफर अभी चल रहा है, अकाउंट ओपनिंग कोई फीस नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जस्ट आपको यहाँ पे अपना आधार पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स आपको चाहिए होंगे, कुछ भी फिजिकल प्रोसेस में कोई डॉक्यूमेंट कहीं नहीं भेजना, सारा सारा ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपनिंग का वीडियो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग का भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर वीडियो को आप देख सकते हो जिसमें एक एक स्टेप मैंने अकाउंट ओपन करते हुए लाइव वीडियो रिकॉर्ड करा था, उसको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फायर्स का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कितना स्मूथ, कितना ईजी और कितना फास्ट है। हमने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन को भी देखा, अगर आप स्टॉक कोई होल्डिंग में लेकर जाते हो, मान लो आपने आज खरीदा उसको 1 या 2 महीने के लिए रखते हो, तो वो आपका होल्डिंग्स वाले सेक्शन में चला जाएगा, इन्वेस्ट किया करंट कितना चल रहा है और प्रॉफिट लॉस कितना, प्रॉफिट ऑफ टूडे आज के लिए आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया वो यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा। और प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जो आप ऑप्शन ट्रेड ओपन करके पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे जैसे हमें मिल रही है, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। कोई सा भी एक्सपायरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी यहाँ पे आप स्ट्राइक पे सेलेक्ट कर सकते हो, पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे सेंड कर देंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन अगर इसमें नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।